भाई साजन भाई मस्त क्लीन करके चल रहे एकदम बॉडी को। अब तो मस्त एंजॉय करते करते जाना, कोई तरह का स्ट्रेस नहीं, कोई तरह का वॉच नहीं है। ओ तात में यहाँ मिलिट्री वाले यहाँ पे हो, यही तो थी कल वो। शाम को ड्यूटी चेंज होती भाई, अभी वो है। आराम से आराम से। ऐसे वो गेम में कूदते ना डबक। आवाज तो आ रही क्लक क्लक। गुचल पुचल गुचल पुचल करते हाँ रे। गाइस सोवला ऊपर जाना नीचे हैं साजन भाई, नीचे है ना लिप। हाँ चलो चलो आ गया पार्थवेश। ओके आ गया सब। ट्रेनिंग भी बहुत स्टिक होती है भाई, बहुत इनका इनका दिमाग आधा हाफ माइंड हो जाता है, फौजी आधा हाफ माइंड ही होता है, ऐसे ही बोलते हैं। रोड तो बहुत खतरनाक है भाई, ऐसे ही बोलते हैं कि स्पीति है स्पीति, तो फिर भी एक ही जगह पैसा दिखता है, ये तो कंटिन्यू ऐसा ही है। यहाँ इतना एक्सप्लोर नहीं किया ना लोग, एक लद्दाख स्पीति बस यही, जिधर ट्रेन चलता उधर ही लोग जाते हैं। है हाँ वही करते हैं कि भाई एंजॉय के लिए निकल गए। तो यहाँ तो 25-26 है, पर ऊपर पहाड़ में ना तिखी गर्मी लगती है। पहाड़ों की गर्मी बहुत खतरनाक होती है भाई, इसलिए तो अपना ये चेहरा फटने चालू हो जाता है, एक तो ठंडी हवा फिर ये धूप। चिकू चिकू राजू राम उठा ही नहीं यार आज। आपस में चर्चा कर रहे लो।
वाटरफॉल। ठंडा है पानी। किसका क्या हुआ? अच्छा तेरा खोक, अच्छा तेरा गिर गया था ना। पानी तेरी पैंट तक लगा पैंच। यहाँ से कट के जाएगा तो रसीद वहाँ दोगे? अपने पढ़े लिखे आदमी समझदार आदमी पढ़े लिखे की नहीं आपके पास कागज है तो वहाँ देख लो। कहाँ देखे? उधर देख लो, पढ़ो पढ़ो ना, पढ़े लिखे आदमी बोर्ड लगा रखा उधर देखो। यहाँ तो कुछ नहीं है, खाली 100 रुपया उस लैंड में तो 2000 रुपया कटती है। यहाँ की साफ सफाई के लिए आप लोग जाते हैं, यहाँ के लोग आते हैं पंचायती जी की साफ सफाई के लिए वहाँ के, उसके लिए ये पर्यावरण की साफ सफाई करने के लिए ये पैसा उसमें जा रहा है। ये कोई व्यक्तिगत अपने खाने के लिए नहीं है। यहाँ नहीं कटोगे तो वहाँ भी काटना ही है, वहाँ भी देना ही है। अरे क्या करना है पहले मतलब आराम से निकालना हो साइड में, वही नहीं दे पूरा रोड खतरनाक है भाई। थोड़ा अच्छा मिलता है नोटी आवाज निकाल रहा है। रास्ते के बीच में पानी चल रहा हो, रास्ते के बीच में पानी चल रहा है और रोड कंकड़ स्लिपी है पूरे। ही हा, उठा लूंगा। हाँ बहुत कंकड़ स्लीपी है बहुत भाई। ले नहीं रे भाई, स्पीड में थोड़ी थी गाड़ी। अब बेंच न्यूट्रल होगी गाड़ी, गाड़ी न्यूट्रल हो गई थी। वो हुआ क्या था कि वो गियर क्लच यूज नहीं करता उनमें, तो गियर डाउन करने के चक्कर न्यूट्रल हो गई और ध्यान भी नहीं दिया। हाँ आ जाओ आ जाओ आराम से। मौसम मस्त हो गया एकदम ठंडा ठंडा। वहाँ गर्मी में पसीना हो रहे थे जैकेट में,
जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ेगी। हाँ बॉडी एकदम ठंडी। भाई ये तो सो रहा था। नहीं नहीं पुल बना हुआ है। ठंड तो रहेगी फिर भी भाई ऊपर। एक्स्ट्रा हुडी लाया, टेंशन मत लो, किसी को चेक दे दूंगा। मैंने एक्स्ट्रा बैग पैक करने के बाद में डाली मैंने निकाल के। भाई आज का ठंड लग रहा है, ठंडी लग रही है। अभी हमारे यहाँ बन रहा है खाने के लिए कुछ चाय और ये स्नैक्स मिल जाए। बहुत ही मजा वाला सूप आ रहा है और शाम का टाइम है तो ज्यादा कुछ कैप्चर कर नहीं पाया। अभी व्यू है बना रहे हैं, बहुत ही प्यारा है। और ये सूप पी के सामने का व्यू नजारा देखिए, सामने अभी क्लाउड शाम की नजारा, हर आधे घंटे में नजारा चेंज हो रहा है। ये पंचाचूली के सामने पर्वत है, मतलब पांच पांडव के पर्वत। पंचाचूली का ये तिरंगा कलर से ऊपर गोल्ड पॉसिबल होगा, व्हाइट और ग्रीन, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये मैंने मॉर्निंग का कैप्चर किया, ये सुबह का टाइम है, अप्रोक्सीमेटली 5 बजे का टाइम है सुबह का। और इतना व्यू ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा। तो अभी बज गए सुबह के 6:30, तो अभी यहाँ से मेरा ट्रैक चालू होगा। तो बाकी वाले दोस्त वहीं हैं होम स्टे पर ही, अभी मैं निकला हूँ यहाँ पर ट्रैक करने के लिए, जो समथिंग पंचाचूली बेस कैंप और कुछ और ट्रैक बता रहे हैं, वो जो मैं कम्प्लीट करूँगा। यहाँ से मेरी सारी ट्रिप सोलो रहेगी और मिलते हैं आपको कहीं आगे नेक्स्ट व्यू में। सब ऐसे घर बने रहते हैं, उसके छत के ऊपर पत्थर डाल लेते हैं ताकि टीन सेट इतनी हवा चलती है कि उड़ जाती है, इसलिए खुद बनाते हैं। ऊपर में सारा पत्थर डाल के लेवल बनाते हैं। और देखो कितनी फिनिशिंग, साइड से फिनिशिंग देखो कितनी सही है। एक बार साइड से फिनिशिंग बताता हूँ आपको, उसकी सामने वाले की देखो। इसका बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से एंट्री चालू होती है ऊपर जाने का। अभी ये रास्ता ऊपर जाने का पूरा, ये पंचाचूली का ट्रैक। फिलहाल मैं अकेला हूँ, पूरा ट्रैक में कोई भी नहीं है, मेरे बाकी दोस्त सब वहीं हैं रिसोर्ट में। और ये जस्ट मैं अभी यहाँ से हमारा स्टे वहाँ पे था, वो वहाँ पे, वहाँ से यहाँ तक ये पूरा यू टर्न लेते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से ट्रैक चालू होता है। पूरा ट्रैक में मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं। अर्ली मॉर्निंग करने वाला था और मैंने कहा कोई थोड़ा ट्रैक चालू है फिर चलता हूँ, बट फिर भी कोई आया नहीं है, तो मैंने कहा मैं सबमिट करके आऊँगा। बहुत सामने बहुत प्यारा व्यू है भाई, बहुत प्यारा। Thank you.
यहाँ से तीन रास्ते पड़ते हैं, तो एक तो ताल की तरफ जाता है, एक बुगियाल की तरफ जाता है और एक पंचाचोली बेस कैंप जाता है, और दुकटू में हम रुके हुए अभी और पंचाचोली बेस कैंप करने वाला हूँ और बुगियाल ऊपर जाने वाला हूँ। बाकी बहुत ही प्यारा ट्रैक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अप्रोक्सीमेटली बुगियाल ताल आगे यहाँ से दो किलोमीटर है और पंचाचोली 1.5 किलोमीटर है बेस कैंप, और ताल यहाँ से अभी सूखा बता रहे इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ उधर। बाकी दुकटू में रुके हुए हैं और नीचे हमारा स्टे था। सुनसान रास्ता, पूरा ट्रैक में मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है। लगभग ऑलमोस्ट ट्रैक पूरा होने वाला मेरा, अकेला हूँ, कुछ आइडिया नहीं है, रास्ता के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कितना बचा है, बट ऑलमोस्ट होने वाला है। सबमिट दिख रहा है जस्ट पीछे, कंटिन्यू चल रहा हूँ। यहाँ बैठने की अलग ही फील है, बट एक टी शर्ट में आना, इस वजह से भी पसीना आ रहा है। शरीर में पानी जाता है, एकदम रिलैक्स मिलता है। ये जो एंड में दिख रहा है ये सबमिट है, देखो कितना टाइम लगता है, धूप बढ़ने लग गई। सबमिट का टॉप का व्यू देखो एक बार, पूरा ग्लेशियर के पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। और अभी यहाँ पे टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली माइनस में होगा और ठंड बहुत है, और मैंने कंटिन्यू ट्रैक किया इसके लिए पसीना हो रहा है, इसलिए जैकेट वगैरह निकालना पड़ेगा मेरे को। बट अभी यहाँ रुका हूँ, बहुत ही प्यारी प्यारी वादियाँ यहाँ पर है क्लाउड के बीच में, मतलब एक अल्टीमेट सुकून है यहाँ पर बैठने में, और मैं लगातार यहाँ पर देखते ही रहो, मन नहीं भरेगा तुम्हारा, पूरा एकदम क्लाउड के बीच में ग्लेशियर के पहाड़ पूरे। और ये हिमालयस में आता है, ये पंचाचोली का बेस कैंप है और यहाँ ये हिमालयस में आते हैं, और यहाँ पंच पांडव भी बोल सकते हैं इस पहाड़ों को। और यहाँ पे ये बेस कैंप से जस्ट ऊपर में जाने का रास्ता है, जो ऊपर सबमिट करने का किसी को परमिशन होती नहीं होती, आइडिया नहीं है मुझे, और नीचे बोला कि भाई आपको परमिशन लेनी थी तो पहले ले सकते थे, जस्ट मोमेंट पर नहीं होता था। बट मेरा ऐसा पहले कोई प्लान नहीं था कि मैं आगे ऊपर तक जाऊँगा, बट अभी बहुत ही मज़ा आ रहा है ऊपर आने के बाद। इसका जो व्यू देख रहा हूँ ना फाइनल यहाँ का बेस कैंप के ऊपर से, बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही व्यू प्यारा। ये फूल के साथ देखो एक बार घाटियों का व्यू, मतलब जो व्यू कहीं नहीं मिलेगा वो माउंटेन में मिलेगा, और पूरा ग्लेशियर को पहाड़ों के बीच में, कुछ वाइट माउंटेन, कुछ ब्लैक ग्रीनरी वगैरह सब, बहुत ही प्यारा। तो है, ये है पंचाचोली का सबमिट पॉइंट, ये जिस मेरे पीछे बैठ देख रहे हो ये 0 पॉइंट है, ये मैंने सबमिट किया है। दूर दूर तक तो कोई भी नहीं दिख रहा, मैं अकेला हूँ, और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। अभी यहाँ पे
मेरे को गर्मी लग रही है क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, सांस फूल रही है, हाई एल्टीट्यूड है, बट बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम फ्रेश। कोई भी नहीं सुनसान, सब ने बोला कि रिस्क है, अकेले मत जाओ, बट डर के आगे जीत है। एक बार आप नज़ारा देख सकते हो, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये है पंचाचूली का ट्रैक, सबमिट पॉइंट है, और मेरे को ऊपर जाना था वहाँ पे। ये जो वाइट वाला दिख रहा है अपना पीछे, ये उसमें अलाउड नहीं है अभी क्योंकि उसके लिए परमिशन चाहिए थी और रास्ता है नहीं, तो उसके लिए आप गाइड चाहिए। और जब गाइड से बात की तो उसने बोला सर उसके लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती है ऊपर जाने के लिए, और शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैंने पंचाचूली सबमिट कर लिया है। अभी बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आया। नीचे ये रिवर चल रही है, रिवर की नदी की आवाज़ आ रही है पूरी, मतलब वहाँ से जो ग्लेशियर पिघल रहा है वो होके नीचे आ रहे, नीचे आ रहे। और हमारा स्टे यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर, दिख नहीं रहा है। और मैं अभी हूँ टॉप पे, इतना सुकून, इतना फ्रेश फील कभी फील नहीं किया है। जैसे ये मैं ट्रैक में आता हूँ ना तो मेरे को एक अलग ही लेवल की एनर्जी मिलती है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड बहुत ही, सुबह अभी नॉर्मली हुई है, जैकेट में उतारना पड़ेगा क्योंकि ट्रैक चालू, नीचे उतरूँगा तब पसीने होंगे, फिर भी सेफ्टी के लिए मैं पहन के रखता हूँ क्योंकि ऊपर में हवा तेज़, अभी जस्ट हवा बंद हुई है। हवा की वजह से ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं मैं बीमार हो जाऊँ, बहुत लंबा रूट है, आगे भी लंबा रूट जाना है। बट एक बार सच में ऐसे ट्रैक पे आओ जिसमें आपको खुद को बहुत ही सुकून मिलता है। मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, मेरे को हर जगह हेल्प की है। मेरे साथ वाले थोड़े कमज़ोर निकले क्योंकि वो ट्रैक करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि नहीं हो पाता इतना स्पीड से, स्लो वाले ठंड की वजह से वो सो ही रहे थे। मैं निकल गया मस्त मैगी वैगी खा के। यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा ट्रैक में, आपको सब कुछ लेके आना पड़ेगा, पानी की बोतल, अपने वार्मर्स और जो भी आपको चॉकलेट्स वगैरह जो आपको एनर्जी देवे, प्रोटीन्स बार जो भी आपको एनर्जी देवे वो साथ में लेके आए। बीच में कुछ भी नहीं है, अपने साथ में कैरी करें। मैंने खुद एक बैग लेके आया था, बैग में भर के लेके आया, पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, सब कुछ लेके आया क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग पानी पीना पड़ता है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा, मतलब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और मैं अकेला, कोई भी नहीं। मेन पॉइंट ये है कि मैं अकेला हूँ पूरा ट्रैक में, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा, सबमिट में अकेला। सुबह का नज़ारा भी बहुत प्यारा था पंचाचूली का, जो ये होता है तीन रंग में दिखता है, गोल्ड, वाइट एंड ग्रीन, मतलब इंडियन फ्लैग एक दिखता है यहाँ पे। मेरे को सच में बहुत मज़ा आया था यहाँ के, और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय। ट्रैक सबमिट करके मैं निकला हूँ वापस नीचे की तरफ क्योंकि अभी काफ़ी लेट भी हो गया और मैं अकेला भी हूँ तो टाइम से नीचे पहुँचना भी ज़रूरी है क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी ने बोला कि कुछ रिस्क भी हो सकती है सर। बाकी ट्रैक बहुत टफ है, 6 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही मज़ा आया। मैंने फूल तोड़े यहाँ से, और मैंने अपने लिए नहीं तोड़े, भोले बाबा के चढ़ाने के लिए तोड़े। एक मंदिर आगे, वहाँ मंदिर में चढ़ाएंगे अपन। एक छोटी सी दुकान दिख रही है आगे नीचे, वो देख सकते हो नीचे जस्ट, बट वो भी अभी बंद है क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैक चालू है नहीं। और मेरे को कुछ साइड अंदर दिख रहा है कि वो बर्तन वर्तन रखे हो साइड, हो सकते हैं, बट फिर भी ट्रैक बहुत टफ है भाई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नॉर्मल है बट फिर बहुत टफ है, बट हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही मज़ा आया सच। बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है, इसलिए मैं सिपर से अपने पास ही अपना डिहाइड्रेशन बैग लगा हुआ है बैग में, गर्म पानी पीता रह रहा हूँ कंटिन्यू। गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, मेरा ब्लैडर में पानी भरा हुआ, वो ठंडा है, और बोतल लेके आया उसमें गर्म है। देखो एक बार नज़ारा देखो फिर से। खासतौर से स्किन का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मेरी खुद की कल में स्किन में से खून आना चालू हो गया, फिर क्या होता है ना, लापरवाही या भारी पड़ती है, बस वो वाली है।
बट बहुत मज़ा आया सच में, रियली बहुत मज़ा आया। वो जस्ट दुकान, वो देख दुकान बनी हुई है, वो दुकान में उसमें कोई दिख नहीं रहा है, वो जस्ट दुकान नीचे एक ही दुकान है, बट अभी फ़िलहाल उसमें कोई है नहीं क्योंकि इतना भीड़ है ही नहीं और कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है ऊपर में 0 पॉइंट पे, और बहुत ट्रैकिंग में बहुत प्यारे प्यारे फूल थे। देखो ये भी फूल देखो कितने प्यारे, ऐसे ऐसे बहुत सारे फूल है, ट्रैक करने में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ऐसे येलो, वाइट, ग्रीन, रेड, बहुत टाइप के फूल है, मतलब फ्लावर वैली तो नहीं बोल सकता हूँ बट ट्रैक में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है ना तो बहुत ही दिल खुश होता है। और ये मैं फूल अभी जस्ट तोड़ा है, अपने लिए नहीं तोड़ा है क्योंकि भोले बाबा को चढ़ाने के लिए तोड़ा है, मैंने तोड़ा है क्योंकि मैं नीचे से कुछ भी नहीं लाया हूँ चढ़ाने के लिए। यहाँ पे मैं अंदर मंदिर देखा तो मैंने कहा फूल तो चढ़ा के ही जाऊँगा बाबा जी को। बाबा जी मेरे हर जगह हेल्प करते हैं, इस राइड में इतनी प्रॉब्लम्स आई पर कहीं भी अटका नहीं हूँ, सबका सॉल्यूशन निकाल के दे दिया, वो भी विद इन सेकेंडों में। मेरी गाड़ी बंद हो गई, ट्रैक में गाड़ी भी स्लिप हुई, नॉट आउट कुछ भी हुआ बट फिर भी सब कुछ सॉल्यूशन मिल गया। ये है यहाँ पे मंदिर छोटा सा, ये देख सकते हो मंदिर, ये छोटा सा मंदिर बनाया हुआ गाँव वालों के लिए। यहाँ पे देखो एक पीछे और मंदिर है, ये मंदिर अपन चढ़ा देते फूल बाबा जी को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चौकट पे चल के आज चारों गाम आए हैं, बजाओ ढोल नारद में मेरे राम आए हैं। ये देखो अभी जिस फॉरेस्ट चालू हो जाएगा, ये फॉरेस्ट अप्रोक्स 2 किलोमीटर का फॉरेस्ट है। सुबह सुबह जो मैंने किया ना पूरा अंधेरा था, अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है बट फिर भी लग रहा है ऐसा कि अंदर घुसते ही अंधेरा टाइप का हो जाएगा। आज खुले जाएंगे देख सकते हो पूरा सुनसान रास्ता। देखो ये इधर में जंगल का और ये भी आगे चढ़ने का, अभी यहाँ से जंगल चालू हो रहा है। यहाँ से ये फूल लेके आया हूँ मैं, ये कितने प्यारे हैं, और सामने माउंटेन, मैंने सबमिट करके नीचे उतर रहा हूँ। जंगल जंगल कम से कम 2 किलोमीटर जैसा होगा, कुछ भी नहीं अंदर, कोई भी देखो पूरा ट्रैक में कोई भी एक इंसान नहीं मिला। मतलब एकदम सुनसान डर लग रहा है मेरे को खुद को, देखो तो सही एक बार फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट, ये पूरा ये फॉरेस्ट, ये नीचे भी फॉरेस्ट पूरा देखो। देख सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई है, एकदम स्ट्रेट है और एकदम बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी जस्ट बारिश बंद हुई है वरना बहुत फिसलन थी, और जस्ट नीचे गांव दिखने लग गया, यहाँ गाड़ी पा के यहाँ से चालू होता ट्रैक। और इसमें ट्रैक में 3 ट्रैक है, एक ताल जाने का है जो 500 मीटर पे, एक अपना पंचचुली बेस कैंप पे जो आगे बोर्ड लगा वहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जैसा है, और फिर बाद में उसके ऊपर में है सबमिट पॉइंट, वो जैसे 3 किलोमीटर ऊपर में है। तो मैं अभी सबमिट करके नीचे आ रहा हूँ टोटली, तो टोटली 6 किलोमीटर जैसा ट्रैक है, बड़ा मज़ा आया बहुत, एकदम खड़ा है
होने का बहुत ना, अच्छे ग्रिप के शूज़ होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शूज़ ऐसे नहीं हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लोग करने वाले करते ही है नॉर्मल शूज़ में, बट जो स्पीड होती है उतरने की वो हो नहीं पाती है। बारिश की वजह से यहाँ पानी चलता है, वरना कल बारिश बंद हो गई इसलिए ईजी है अभी, वरना हालत ख़राब हो जाती। देख सकते हो ये पूरा ऊपर से एकदम डाउन। वहाँ पे गाड़ी पार्क है, वो तो ये ट्रैकिंग का रास्ता पूरा ऊपर से। काफ़ी एज वाले अंकल मिले अभी एंट्री में।